गुड मॉर्निंग साथियों, जल्दी से आ जाइए, टाइम हो चुका है आपकी क्लास का। एक और नई क्लास, एक और उम्मीदों के साथ जल्दी से जुड़ जाओ। और हम आज देखेंगे एक नया टॉपिक, लघु गणक। जी हाँ, लघुगणक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे, तो अब की बार कुछ स्टैंडर्ड यहाँ पर क्वेश्चन लेके आए हैं, उनको ध्यान से देखना। देखिए साथियों, यहाँ पर जो हेडिंग है हमारी वो है घात के लघुगणक का घात रूप में लिखना। मतलब एक हमने आपको फार्मूला दिया था कि a की पावर m इक्वल b, ऐसे कुछ दिया था ना, शायद ऐसे दिया था ना, जिसमें आपने देखा था ये हो जाता है log b बेस a इक्वल m, ये हो जाता है ना। तो बस इसी पर आधारित हम लोग को लेकर के चलना है, आगे बढ़ना है, फटाफट बहुत तेजी के साथ चलना है, बिल्कुल आंधी की तरह चलना है। तो हमारे साथ चलना, भागना मत कहीं। और जो नए छात्र छात्राएं जुड़े हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करें। जितने भी नए स्टूडेंट जुड़े हैं, तुरंत सब्सक्राइब करें, देर ना करें। हो गया, चलो ठीक है। देखो अब इधर देखना, जैसे log 36 बेस 6 इक्वल टू था ना, उसी तरह से ये भी है log 125 बेस 5 इक्वल 3। इसका इधर क्या आएगा मान, हाँ जल्दी से बताओ कमेंट करके। जरा ध्यान से देखो, यहाँ मान क्या आएगा पता है? जो सबसे बड़ी नंबर है, मुख्य नंबर यानी 125, उसको बराबर के उस साइड लिखोगे। और जो बेस इधर है ना, देखो यहाँ बेस 6 था ना, तो अभी भी उधर भी बेस क्या है, 6 ही है। जो दूसरी साइड नंबर था उस साइड, वो घात बन जाएगी। मतलब बेस है 5, इसकी ये क्या घात बन जाएगी, 3। बस याद रखना, भूलोगे नहीं कभी, है ना, आसान है ना। मतलब जैसे log 36 बेस 6 इक्वल टू है, कुल मिला के ये जान लो जो बेस होता है ना, उसी पर जो बराबर के दूसरी साइड वाला नंबर होता है, घात बना दिया जाता है बस। log 10,000 बेस 10 इक्वल 4, आप जानते हो यहाँ पे 10 की पावर 4 हो जाएगा, है ना, 4 हो जाएगा तो यह आ जाएगा। उसके बाद अगर हम आगे बात करें, log 0.01 बेस 10, तो ये कितना आएगा पता है आपको? -2 क्यों आता है, पहले लिख लो, फिर अभी हम समझाते हैं। ये हो गया, इसको करोगे साथियों तो आप जानते हो क्या हो जाएगा पता है? ये 10^-2 होगा, -2 होगा, तब आप इसे लिख सकते हो 0.01। अभी ये माइनस में कैसे होता है, क्यों होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, पहले आगे देख लो मतलब की चीज तब। और अगला एक है log 1 बेस 10 है, तो क्या आएगा इसका मान, 10 आएगा। इधर भी लिख लो 10^0 इक्वल क्या है, 1। ठीक, चलें, क्लियर ना बात। चलिए वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए तुरंत। आइए आपको दिखा देते हैं कि घातें माइनस क्यों होती हैं। देखिए साथियों, बात ही की क्या होती है ना, अक्सर जैसे अगर हमें लिखना है ये लो 1000, तो 1000 को आप जानते हो कि इसको हम लिख सकते हैं 10^3, लिख सकते हैं ना। अगर हमने लिखा है 100, तो इसे लिख सकते हो 10^2, इतना बात पक्की है ना। लेकिन दोस्तों, अगर कहीं लिखा है 1/1000, तो क्या इसका मतलब जानते हो क्या होता है? इसका मतलब भी यही होता है, 1/10^3 ये 3 हो जाएगा, लेकिन फाइनल में ये जब ऊपर जाता है ना, तो माइनस लग जाता है। मतलब 1/5 था ना, ये एक के नीचे छुपा था ना, जब ऊपर निकलेगा तो माइनस हो जाएगा। बस यही है इसके माइनस होने का रीजन। एक लाइन यहाँ पर और लिख लीजिए, आप लोग अपने काम का है, जल्दी से लिखिए। किसी भी धनात्मक आधार, यानी कि ब्रेकेट में लिखो एक को छोड़कर, ठीक है, किसी भी धनात्मक आधार, ब्रेकेट में लिखना एक को
छोड़कर पर एक का लघुगणक सदैव शून्य होता है। किसी भी धनात्मक आधार पर, लेकिन एक को छोड़कर का, यानी कि पर जो एक का लघुगणक है वो सदैव शून्य होता है। कैसे? इधर देखना, जैसे log 1 बेस 10 इक्वल क्या है? 0 है। तो ये क्या हो जाएगा पता है आपको? ये हो जाएगा 10 का बेस 0 इक्वल 1। ये क्या है? इसका मान है। ठीक, तो नोट कर लो जल्दी से, तुरंत फटाफट आगे चलते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, ये दशमलव संख्या पद्धति हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये दशमिक संख्या पद्धति के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर 10 ही अंक का हिसाब है, ठीक है। और क्या कह रहा है? आधार में एक को नहीं लिया जाता है, क्योंकि लॉग a1 इक्वल 0, जहाँ a डज नॉट इक्वल 0, लॉग a1 ये अपरिभाषित है, ठीक ना। तो याद रखना, ये हमेशा जो है बेस क्या माना जाता है? स्टैंडर्ड रूप में 10 ही माना जाता है, या फिर कहीं अगर दिया हो तो अलग बात है। तो ये समझ गए इतना ना, आगे चलना आप जल्दी करिए। आगे अब आप सभी लिख लीजिए, आधार 10 पर सामान्य लघुगणक। देखिए साथियों, हम सभी जानते हैं कि हमारी संख्या पद्धति जो है दशमिक है, मतलब दशमलव संख्या पद्धति है, क्योंकि संख्या में जो हम लोग पढ़ते आते हैं अभी तक, उसमें कुल 10 ही अंक होते हैं, है ना। 0 से लेकर के 9 तक कुल 10 अंक होते हैं। तो ऐसे में अगर आधार 10 पर कोई भी लघुगणक निकालते हैं तो आसान होता है। तो चलिए अब हम इधर दो साइड बना लेंगे, ध्यान देना। इधर लिखना एक तरफ लघुगणकीय रूप, एक तरफ लिखना घातांकीय रूप, ठीक है। घातांकीय रूप और एक तरफ लघुगणितीय रूप। हाँ, आगे चलें। चलो हम क्या करेंगे यहाँ पर दोस्तों, आपको घातांकीय रूप देंगे, अपने लघुगणकीय रूप में लिखना। जैसे हमने दिया घातांक रूप में, एक है 10 का घात 1 इक्वल 10। तो क्या करोगे पता है? ऐसे लिखोगे लॉग, और जो बेस है वो तो 10 रहेगा ही, और ये 1 है। तो यहाँ पर ध्यान देना, जो संख्या बराबर के उधर रहेगी वो कहाँ जाएगी? वो इसी के खोपड़ी पे आ जाएगी सामने, और इक्वल 1 जो यहाँ घात रहेगी वो बराबर के उस साइड हो जाएगी। ये बात समझ में आई ना? अगला देखना, दूसरा 10 की घात 2 बराबर 100। इसका मतलब देखना, इसका मतलब ये होता है कि log 10 की पावर 100 इक्वल टू क्या है? log 10 की पावर ये 100 और ये इक्वल टू, ये 2 के मान हो गए। अभी आप इसी तरह से इसमें और भी बहुत सारे निकाल लेंगे, जैसे 3 का हो गया, 4 का हो गया, इत्यादि बहुत सारे हैं अभी। तो चलिए देखते रहिएगा, बिल्कुल मत भागना कहीं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, बिल्कुल देर ना करें। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना, जिससे आपको हर एक क्लास मिल सके। अगला का कह रहा है 10 की घात 3 इक्वल होता है कितना मालूम है आपको? 10 की घात 3 मतलब क्या होता है? 1000 लगभग आता है। कितना आता है? 1000। आप क्या करोगे? हाँ, ये हो गया ठीक। इसको लॉग रूप में बदलोगे तो ये हो जाएगा log 1000, और बेस का रहेगा 10 इक्वल 3, है ना। चलिए अब हम देखते हैं 10 की घात 0 इक्वल 1, ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ तुरंत।
ये हो जाएगा लॉग 10 की पावर 1 इक्वल 0। बात समझ में आई ना? इतना नोट कर लिया? चलो ठीक है, 10 की पावर -1, इसका मतलब समझना, इसका हो जाएगा 0.1। नोट कर लिया? जल्दी करिए, बहुत देर हो रही। हो गया इतना? जो भी मित्र हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, जैसे अभिषेक जी, अरुण, संध्या कौशिक, राहुल, रचिता सिंह और अंशिका द्विवेदी जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चलिए तो ये क्या हो जाएगा पता है आपको? ये तो आंसर आ गया उसका फाइनल में, यानी कि अब आप समझ गए होंगे, यहाँ तक हम लोगों ने काफ़ी कुछ इसमें पढ़ लिया है ना? तो इसके आगे अगर हम बात करें 10 की घात -2 का, तो ये थोड़ा सा और लंबा हो जाएगा। कैसे आता है ये चीज़ तो आप नहीं बताए, आगे देखना। 10 की घात -2 इक्वल हो जाएगा 0.01, इक्वल हो जाएगा लॉग base 10 0.01 इक्वल का हो गया 2। कितना हो गया? 2। नोट कर लीजिए जल्दी से, देर नहीं, फट से करिए। हो गया ना इतना? चलें आगे। ठीक है, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दी गई जानकारी को जल्दी से नोट करें और फिर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत जल्दी करें, हटने वाला स्क्रीन से। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सत श्री अकाल, सुप्रभात। आ जाइए जल्दी से, आपकी एक उम्मीदों की क्लास। जी हाँ बिल्कुल, हमारे साथ आज आप देखेंगे DELED अर्थात BTC थर्ड सेमेस्टर की मैथ। लेकिन याद रखना, ये क्लास कोई DELED या BTC के लिए अलग से नहीं है, इसको आप किसी भी परीक्षा के लिए मैथ सीखने के उद्देश्य से पढ़ सकते हैं। क्लास नहीं छोड़ना, पूरा क्लास देखना। SSC की परीक्षा देना है, RRB की, या कोई भी परीक्षाएं देना है। लघुगणक के बारे में हम बात कर रहे हैं, लॉगरिथम्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। लॉ ऑफ लॉगरिथम्स, लघुगणक के रूल पढ़ेंगे। इसमें तीन मुख्य रूप से लघुगणक के नियम हैं जिनको हम पढ़ेंगे। जैसे कि आप जानते हैं घातांक वाला नियम, घातांक वाला नियम आप जानते हो ना, गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, भाग करने पर घातें घट जाती हैं, कुछ वैसे ही इसमें भी होता है। तो पहला नियम जो होता है लघुगणक का, वो मैं आपको यहाँ पर हल करके दिखाऊंगा, सिद्ध करके, आप हमारे साथ बने रहना। जैसे साथियों, इसके पहले हमने आपको इसकी जो पहली क्लास हो चुकी उसमें सिखाया था कि यदि ए का पावर एक्स इक्वल यम है, तो इसे लघुगणक के रूप में अगर व्यक्त करेंगे तो लॉग बेस ए ही रहेगा, और जो बराबर के दूसरी साइड होती है राशि, वो इधर साइड में आ जाती है, और इधर साइड वाली जो घातांक है वो उधर साइड चला जाता है। ये आपने अभी पढ़ लिया था हाल ही में, है ना? ये भी एक रूल है अपने में छोटा सा। हाँ, यानी कि इसका लॉग अगर करेंगे तो इतना हो जाता है। इस तरह से अगर हम वाई मान लें एक, यदि बी का पावर क्या मान लें, वाई, तो बी के रूप में हो जाएगा, लेकिन हम ए ही मानेंगे। क्यों? क्योंकि आधार एक समान रखना है। ए का पावर वाई इक्वल एम, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ भी कुछ वही होगा, लॉग यम बेस ए इक्वल वाई। इतना बात समझ में आई ना? अब आप एक काम कर सकते हो इन्हीं दोनों से, क्या कर सकते हो, लिखो नीचे जल्दी से, ए का पावर एक्स इंटू ए का पावर वाई, समीकरण 1 और 2 का क्या कर दिया, गुणा कर दिया, तो इक्वल यम इंटू क्या हो जाएगा, यन। हाँ ध्यान देना, यम इंटू यन कैसे होगा, इसको आप यन लिख लो जिससे अलग रहे, ये थोड़ा सा आपको भी अलग लगना चाहिए ना ये, ठीक ना? अब ध्यान देना, हम जो रूल लाने वाले हैं, भागना मत, पूरा क्लास देखना, अभी इसको प्रूव कर रहे हैं हम, कोई रूल आएगा अभी। इतना हो गया ना? हमने क्या किया, इन दोनों समीकरणों का गुणा किया आपस में, ए का पावर एक्स का ए का पावर वाई में गुणा हो गया, एम का गुणा एन में हो गया, इतना एक साइड हो गया। ब्रेकेट में लिख लो, एम तथा एन जो है वो धन पूर्णांक है, यानी कि इसमें कहीं माइनस नहीं लगा है, ये धन पूर्णांक है। अब पुनः घातांक नियम 1 से, घातांक का नियम आप जानते हो कि गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, तो घातांक नियम 1 से अगर करेंगे हम, तो क्या होगा पता है आपको,
देखो इधर, ए का पावर एक्स इंटू ए का पावर वाई जो है ये हो जाएगा ए की पावर एक्स प्लस वाई। बात समझ में आई? इक्वल एम इंटू एन। समझने की कोशिश करना, मतलब इसकी जगह पर हम इसको लिख सकते हैं, गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, इंटू एम इंटू एन हो गया। इतना समझ में आई ना? लघुगणकों के रूप में, लघुगणकों के रूप में अगर हम इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना। नीचे लिखो, लघुगणक के रूप में इसको मिटा दे। इतना पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम मिटाते हैं। अभी तो नीचे फिलहाल एक दो लाइन लिख ही रहा है, तो लिख लेते हैं, लघु गणक के रूप में। तो लघु गणक के रूप में करोगे तो क्या हो जाएगा, लॉग यम एन, बेस क्या है, ए है, बट ऐसे लिखना अच्छा नहीं है, ये यम और एन बड़ा में रहेगा, ए एकदम छोटा सा रहेगा, बच्चा जैसे। इक्वल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा पता है? एक्स और वाई का मान रख दो फटाफट, किसकी जगह पर हमने किया क्या पता है आपको? अरे जी, ये जो दिया है ना, ये इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, मान रख रहे हैं यम एन का, और इसका सबका मान रख दो। तो लॉग यम एन हो गया। इक्वल जब ए एक्स का लॉग हमने निकाला था तो क्या आया था आपको पता है ना, ये इसको भी रख दो, क्या हो जाएगा, लॉग यम बेस ए, और फिर क्या है, प्लस है ना, बीच में गुणा है तो गुणा का चिन्ह लगा दो, ठीक ना, प्लस है तो प्लस कर दो, तो कितना हो जाएगा, प्लस ये लॉग एन। इतना बात समझ में आई ना? इतना बात समझ में आई? अगर इसमें कोई सवाल है तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। ये देखो, यहीं पर एक प्रकार से यहीं पर हमने मान रखा है, ठीक, एक्स और वाई का मान रखा है, तो ये आपका हो गया लघुगणक का प्रथम नियम। ये क्या है, लघुगणक का फर्स्ट रूल है, नोट कर लो जल्दी से, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। जल्दी करें, फर्स्ट लॉ हो चुका है। इसके बाद आगे चलते हैं साथियों, इसको मिटा देते हैं, आप लोग भी जल्दी से नोट कर लो, हो सकता है कि आप नहीं लिख पाए हैं तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लें और लिख लें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ पूरा टाइम बने रहना क्लास में, बिल्कुल भाग के मत जाना। DLED की थर्ड सेमेस्टर की मैथ अब आप सुबह 6 बजे से हर दिन देख सकते हैं। अगर किसी प्रकार की इंक्वायरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसी प्रकार एक 3 पद वाला देख लो, ये भी रूल है, इसे आप याद रखना, अभी हम बाद में आपसे पूछेंगे। इसी प्रकार log यम एन पी, अगर 3 है तो क्या होगा पता है आपको, log यम ये हो जाएगा, log यम बेस ही सब में रहेगा, प्लस log एन और प्लस log पी, ये भी एक फार्मूला है, इसको भी नोट कर लो, आप जल्दी से नोट करके रखे रहो फटाफट, हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसमें हम द्वितीय नियम देखते हैं। द्वितीय नियम को भी साथियों इसी प्रकार से हम हल करेंगे, और लेकिन हम ज़्यादा इसमें लिखने से कोई मतलब नहीं है, इस प्रकार से हम सेकंड रूल आपके सामने डायरेक्ट ला रहे हैं। सेकंड रूल क्या है देखना, वैसे आप इससे परिचित हैं, लॉग यम अपान यन, और बेस क्या है, ए है, यानी कि भाग हो रही है, तो भाग में आप जानते हो घट जाता है ना, लॉग यम माइनस लॉग यन, बस हो गया, यही था। इसी प्रकार एक और देख लो, 3 पद वाला, इसी प्रकार लॉग बेस ए यम अपान यन और पी, तो इक्वल ये हो जाएगा लॉग यम और माइनस का लॉग एन, ठीक है, सब माइनस रहेगा, माइनस लॉग एन और माइनस लॉग पी, नीचे बेस में ए रहेगा हर जगह, नोट कर लिया ना, लिख लिया, आगे चले। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप लोग बहुत अच्छे हैं। इसी तरह का साथियों, अगर इसमें हम तीसरे रूल पर चलें तो उसको भी आप गौर करना, देखना ध्यान से, और बिल्कुल क्लास मत छोड़ना।
पूरा क्लास देखना, एंड तक देखना, सब कुछ समझ में आने की गारंटी होगी। DLED थर्ड सेमेस्टर का ये 15 नंबर क्लास है। नहीं समझ में आएगा कमेंट करना, कमेंट करेंगे अगर आप तो हम उसे फिर से देखेंगे और फिर से आपको बताएंगे। तीसरा रूल, लघुगणक का तीसरा नियम क्या कहता है? ये कहता है कि log m के पावर n है, अगर कहीं क्या है m का पावर n, तो इसे आप लिख सकते हो क्या, n log m, छोटा सा a भी लिख देना बस। मतलब कि जो घात लगी थी ना मित्रों, ये सबसे पहले आ जाएगी, बाकी इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। तो ये थे आपके लघुगणक के तीन नियम, लेकिन हो सकता है इन तीनों नियमों से ही आप संतुष्ट ना हो, तो हम आपको कुछ यहाँ पर होमवर्क दे देंगे। होमवर्क अगर अच्छे से करोगे ना, तो मैथ आने की पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं गारंटी के साथ। जी हाँ, बिल्कुल गारंटी के साथ, और आप हमारे साथ पढ़ सकते हैं, कहीं से भी घर बैठे मैथ सीख सकते हैं। अगर आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल जीरो हैं, उम्मीद नहीं है, तो बिल्कुल खोई हुई उम्मीद भी हम वापस लाते हैं और आपको गारंटी के साथ सिखाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको फिर दूसरी क्लास ज्वाइन करना होगा। अभी नंबर देंगे लास्ट में, उसे देख लेना, पहले होमवर्क लिख लो। लघुगणकों के रूप में व्यक्त कीजिए, क्या करना है, लघुगणकों के रूप में व्यक्त करें। सवाल नंबर पहला देखना, जल्दी से लिख लो फटाफट। ये कह रहा कि 5 की घात 4 इक्वल 62.5। बी नंबर है 10 की घात 3 इक्वल 1000। सी नंबर है 4 की घात -2 इक्वल 16। गलत है, माइनस घात है तो 1/16 होगा। डी नंबर है 10 की घात -2 इक्वल 0.01, चाहे इसे आप बराबर 100 भी लिख सकते हो। अगला लिख लो, घातांक के रूप में लिखें या फिर लिखो। इसमें साथियों जो पहला सवाल है आपका, वो देखना, log 64, यहाँ पर 2 इक्वल क्या है, 4, ठीक 4 है, 6 है इधर साइड में, लेकिन गलत है, ये 6 भी नहीं होगा, अगर 6 होगा तब भी नहीं आने वाला है ना। लेकिन घातांक में तो आप लोग कर ले जाओगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, करना, यहाँ पर 6 रहेगा। बी वाला, अभी लास्ट में हम आपको कॉन्टेक्ट नंबर देंगे, अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप उसे निसंकोच हमें शेयर कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप शेयर कर सकते हैं, बिना किसी टेंशन के शेयर कर सकते हैं। देखना, आगे देखना क्या होता है। अगला है log 25 base 2 = 5, घातांक रूप में दिखाना इनको करके। इधर साइड में दिख रहा है अगर, तो हम और भी सवाल लिख देते हैं, नहीं दिख रहा है तो फिर कोई बात नहीं है, आप इतना नोट कर लो पहले, बिल्कुल टेंशन मत लेना, बस समझने की कोशिश करना एक बार, उसके बाद तो हम समझा ही देंगे आपको, ट्राई तो करके देखो ना आप एक बार। चलिए, ये जान लीजिए कि आपसे ज़्यादा अच्छा आपको कोई और नहीं जानता है, और इस कारण आपको आपसे ज़्यादा कोई सिखा भी नहीं सकता है, तो जितना आप कोशिश करोगे ना उतना आप सीखोगे। ये होमवर्क है आपके लिए, होमवर्क करोगे जरूर, उम्मीद यही है भाई, नहीं करोगे तो फिर अपने मन के मौजी, और अपने मन के मौजी आप जानते ही हैं क्या करते हैं। ये 2 क्वेश्चन उधर हैं, बाकी देखो 2 यहाँ हैं, और ये 4 इधर हैं। इस तरह से देखो 4 4 8 क्वेश्चन आपके लिए हो चुके हैं, और बहुत सारे सवाल हमारे दिल में हैं आज आपको देने के लिए, लेकिन टाइम जो है ये बड़ा बेईमान है, बहुत तेज़ी के साथ भाग रहा है। और लघुगणक ज्ञात कीजिए, एक और लिख लो जल्दी से जाते जाते, लघुगणक ज्ञात कीजिए, 64 का आधार 8 पर क्या करना है,
लघु गुणक ज्ञात कीजिए। पहला है 64 का आधार 8 पर। तो मित्रों इन सभी करना आप क्वेश्चंस को, अगर कोई सवाल है तो उसे आप निसंकोच हमें पूछ सकते हैं इंक्वायरी के लिए। और हाँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है या मैथ से संबंधित सवाल भेजने हैं तो आप उसे हमें ईमेल pvrstudy@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, व्हाट्सएप नंबर अब बंद हो चुका है। जो भी स्टूडेंट्स पेड क्लास को ज्वाइन किए हैं वो पेड क्लास वाले सभी स्टूडेंट्स टेलीग्राम ऐप्स अवश्य इंस्टॉल कर लें। ये नंबर आपको इंक्वायरी के लिए, फ़ोन कॉल के लिए दिए गए हैं। आप इस पर 32 की जगह पर ये 2 भी करके मिला सकते हैं, मतलब 3 की जगह पर 2 करके मिलाओगे तब भी हमारे पास ही आएगा। अगर इस पर 3 लगाओगे या 2 लगाओगे, दोनों मतलब नंबर एक ही है। ये 3 नंबर हो गए, एक नंबर ये, एक ये, 2 हो गया। इस 3 की जगह पर 2 लगा दोगे तो एक नंबर और हो जाएगा, ठीक ना। 3 नंबर यहाँ पर हमने दे दिए हैं। और हाँ, आप किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए या स्टडी मटेरियल के लिए विजिट करें pvrstudy.com। जी हाँ, pvrstudy.com विजिट करना ना भूलें। इसके अलावा pvrstudy को फेसबुक पर अवश्य फॉलो करें, क्योंकि फेसबुक पर भी हमारी लाइव क्लास आप देख सकते हैं। तो चलते हैं फिर, देर ना करते हुए, वक्त अब और आगे इजाज़त नहीं देता है और बिना इजाज़त के कुछ करना नहीं चाहिए। तो फिर मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद 6:30 बजे से अगली क्लास में। अगर आप इस क्लास को रात में देख रहे हैं तो अगली क्लास आप 10:15 बजे देखेंगे। अगर इस क्लास को सुबह देख रहे हैं तो अगली क्लास 6:30 बजे देखेंगे। और सुबह 8 बजे से कक्षा 10 की NCERT मैथ अवश्य देखें। सुबह 10 बजे से 7:30 बजे से करंट अफेयर, 7 बजे से साइंस, 5 बजे से जीरो लेवल मैथ। देखते रहें PVR स्टडी के साथ। जय हिंद। बस थोड़ा सा इंतज़ार करिएगा, इंतज़ार के बाद हम आपके सामने फिर से उपस्थित हो रहे हैं अगली क्लास लेकर के। मिलते हैं फिर। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। टेलीग्राम पर ज्वाइन करें जिससे कि आपको सारी लिंक मिल सके। टेलीग्राम व्हाट्सएप की तरह एक चैटिंग मैसेंजर है जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से कभी भी कहीं भी बिल्कुल निःशुल्क इंस्टॉल करके मोबाइल नंबर वेरीफाई करके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के बाद टेलीग्राम पर सर्च बॉक्स में सर्च करें PVR स्टडी, और PVR स्टडी के टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल फ्री में ज्वाइन करें और लुत्फ उठाते रहें फ्री लाइव क्लासेज, PDF फाइल्स एंड अन्य अदर स्टडी मटेरियल्स का।